हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जोहार। तो फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी गुजिया। तो क्रिस्पी गुजिया बनाने का सामग्री आप लोग को मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मैदा को अच्छे से छान ली हूँ, ताकि जितने भी मैदा में लम्स होगा सब साइड हो जाएगा। और ये 4 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ फ्रेंड मोइन के लिए। और ये होममेड घी है, आप रिफाइंड तेल से भी मोइन कर सकते हैं। तो अभी मोइन करने के लिए मैं दोनों हाथों से अच्छा से मसल मसल के मोइन करूँगी, कहे कि जितना अच्छा मोइन रहता है उतना ही अच्छा गुजिया बनता है। तो इधर मेरा मोइन हो चुका है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा से इसको आटा जैसे ही मल के डोई बना ली हूँ। और इसको 10 मिनट के लिए मैं साइड कर देती हूँ। और जो गुजिया में भरूँगी मसाले उसको मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले सूजी है, तो सूजी को मैं फ्राई कर ली थी घी से ही, तो ये अच्छा से ठंडा गया है। तो इसको अब मैं थाली में रख ले रही हूँ। और जितना भी ड्राई फ्रूट ली थी, काजू है, किशमिश है, पिस्ता बादाम और नारियल है, और 1 चम्मच हरी इलायची है, और अभी चीनी है, पिसा हुआ चीनी, मैं हल्का दरदरा पीस ली थी चीनी। उसके बाद मावा भी मैं घर में ही बनाई थी होममेड। और सबको अच्छे से डालने के बाद मिक्स कर लूँगी, और देख सकते हैं कितना अच्छा से मिक्स कर रही हूँ मैं। और मिक्स भी हो चुका है, तब इसको मैं साइड कर देती हूँ। और जो मैदे का आटा बना के रखी थी यानी कि डोए, उसको भी अच्छा से मसल लूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अब मैं बेलन और चौकी में थोड़ा थोड़ा तेल लगा ले रही हूँ, ताकि इसमें मैदे का जो भी अभी रोटी बनाऊँगी वो चिपके ना। और ये पूड़ी जो बनाती हूँ उतना ही छोटा छोटा लोई लूँगी, और अच्छा से इसको भी हाथों से मसल मसल के मैं लोई बना ले रही हूँ। और लोई बनाने के बाद इसको जितना आप चाहे तो उतना ही पतला बेल सकते हैं। तभी इसको भी मैं अभी बेलूँगी, और एकदम पतला ही बेलूँगी, और देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। और अभी देखिए बेल ली हूँ, तो मैं सांचे में तेल हल्का हल्का लगा के उसके बाद जो पूड़ी बनाई हूँ उसको मैं रख के, और पूरा बीच में मैं दूंगी मसाला, गुजिया का मसाला, ताकि साइड साइड में रहता है तो क्या होता है ना कि गुजिया फट जाता है, और पूरा जब फ्राई कीजिए तो पूरा जितना भी मसाला है सब तेल में आ जाता है। तो इसीलिए अच्छा से सावधानी से ही बीच में रखना पड़ता है। और अभी देख सकते हैं हल्के हाथों से खोलने के बाद साइड साइड में मैं दबा ले रही हूँ, और दम आराम से ही निकाल रही हूँ ताकि फटे ना। और एक मैं बना के आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। और देख सकते हैं कितना पतला पतला मैं बेल रही हूँ। और बेलने के बाद फिर से वही प्रोसेस है, हल्का तेल लगा लूँगी, उसके बाद पूड़ी को रखूँगी और मसाला को एकदम बीच में दूँगी 1 चम्मच ही, क्योंकि मेरा छोटा सांचा है तो मैं उसी के हिसाब से दे रही हूँ। और हल्का हल्का पानी लगा लूँगी, उसके बाद दबा दूँगी सांचे को, और देख सकते हैं ऐसे ही एक्स्ट्रा मैदा निकलते जाता है, और गुजिया भी कितना अच्छा परफेक्ट बना है। तो मैं जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ फ्रेंड। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड, मैं 3-4 बना ली थी, तो अब इसको मैं फ्राई के लिए डालूँगी, और मीडियम आँच में ही फ्राई कर रही हूँ गोल्डन ब्राउन तक, और हल्का हल्का ही इसको हिलाना पड़ता है, और तुरंत ही ये पक जाता है। और देख सकते हैं आप लोग, और कितना अच्छा कलर भी आ गया है गुजिया में। तब इसको मैं अब निकाल लूँगी फ्रेंड, और निकालने के बाद और मैं गुजिया जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। तो मेरा क्रिस्पी गुजिया बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल में आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग बहुत ही अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं।